और उठा करके इनको अपने गर्दन के ऊपर लेकर के और देखिए किस तरह से पकड़ रखा है। ये एक तरीका है किसी भी घूमते हुए व्यक्ति को बचा करके बाहर निकालने का। दबाव डाल करके ऐसे निकाला जाएगा, सीधे करेंगे। गंगा बैराज स्थित अटल घाट पर आज बुधवार को सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा फोर्स प्रखंड नवाबगंज द्वारा फ्लैट एंड वाटर सेटिंग मोबाइल का आयोजन किया गया। इस दौरान सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने मॉक ड्रिल पर बताया कि गंगा में उतरकर तैराकी कैसे की जाती है और बाढ़ के दौरान कैसे लोगों को बचाया जाता है। लोगों को बाढ़ से बचने के तरीके बताए गए और प्रेजेंटेशन करके भी दिखाया गया। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब कटरी में बाढ़ आती है तो सर्व सुरक्षा के लिए बलिया से सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई जा सके। मैं कश्मीर से डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस कानपुर नगर। आज की मॉक ड्रिल के बारे में बता दें सर। आज माँ गंगा के सानिध्य में हमारे नार सुरक्षा विभाग द्वारा आगामी बाढ़ की तैयारी के दृष्टिगत किस तरह से बाढ़ किनारे गंगा किनारे जो लोग रहते हैं जब बाढ़ आ जाती है तो बचाव के साधन तत्काल नहीं मिल पाते हैं, तो हमारे नार सुरक्षा विभाग द्वारा किस तरह से घरेलू साधनों द्वारा जैसे पानी बोतल से या पीपों के माध्यम से फ्लोटिंग हट बना करके सिखाया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी जान माल की सुरक्षा कर सकता है और डूबने से अपनी जान बचा सकता है। इसी के तत्वाधान में माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे नार सुरक्षा विभाग प्रखंड के समस्त वार्डन, हमारे डिप्टी चीफ वार्डन वाजपेयी जी, धनंजय जी और हमारे क्षेत्र के पार्षद जी सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आम जनमानस को बाढ़ के खतरों से दृष्टिगत सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।